नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब्स हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको CCS यूनिवर्सिटी की ओपन मेरिट के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों, पहले जो दो मेरिट तैयार की गई थी CCS की तरफ से, उसमें अगर आपका नंबर नहीं आया था, आपको कॉलेज नहीं मिला था, तो आपको एक ऑफ़र लेटर डाउनलोड हो रहा होगा लॉगिन करने के बाद, तो आप वो लेके महाविद्यालय में जमा करवा सकते हो। और चयनित जो महाविद्यालय है आपका, जो आपने फॉर्म में भरा होगा, उसमें जाके जमा करा दीजिए और वहाँ सीट होगी तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। मगर उसके लिए महाविद्यालय एक अलग मेरिट तैयार करेगा जिससे आपका एडमिशन होगा। तो ये प्रोसेस 8 तारीख से ही शुरू है, तो आपने जमा करा दिया होगा, महाविद्यालय ने भी मेरिट बना दी होगी। तो जो मेरिट है वो डेली तैयार होगी, एडमिशन की मेरिट, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने एक अपने ऑफिशियल नोटिस में कहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी दे रहे थे कि आपकी जो ओपन मेरिट है उसके बारे में आपको बता रहे थे, और आपके एडमिशन से रिलेटेड, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले अपनी वीडियो में, कि CCS एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें कोई भी बच्चा, किसी भी बच्चे की, किसी भी स्टूडेंट की कोई भी साल जो है वो बर्बाद नहीं होती। ये यूनिवर्सिटी एडमिशन कर ही लेती है जिससे कि सभी पढ़ सकें और सबके एडमिशन हो जाए। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको बस ये वीडियो में यही जानकारी दे रहा था कि अगर ओपन लेटर जो आपका डाउनलोड हो रहा है उसके बारे में, ओपन मेरिट के बारे में, तो आप समझ गए होंगे। फिर भी आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हो और हमें बता सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही समझा रहे थे। आशा करते हैं कि दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में आज ही शेयर कर दीजिए, जिससे कि सबको जानकारी अच्छी मिल सके और सही जानकारी मिल सके। और आपको बताना चाहेंगे कि न्यूज़पेपर में भी यह बात आ चुकी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो न्यूज़ में तो यह बात आ चुकी है, क्योंकि ओपन मेरिट के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट कोई जानता नहीं है। और इसमें आप यूनिवर्सिटी को एक मेल करके पूरी जानकारी भी ले सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही समझाना चाहते थे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।